तू तारक मेहता देखता है क्या? हाँ कभी कभी। अच्छा, कौन सा कैरेक्टर पसंद है तुझे? आओ बबीता, हचका हचका हचका। अबे शादीशुदा दिखाई गई है वो, उसको तो छोड़ देता लड़की पुजारी। जब मेरे दिल में बजती है हवस की घंटी, तो मैं कभी नहीं छोड़ता कोई प्यासी आंटी। यह एक ऐसा शो है जिसमें इंडिया के हर घर में हर रोज पतंजलि झटकी चाय पत्ती का डेली सप्लाई किया जाता है। इस शो का टाइटल तारक मेहता का उल्टा चश्मा किस चुदक्कड़ ने रख दिया पता नहीं, क्योंकि इस चूतिया ने आज तक पूरे सीरियल में उल्टा क्या सीधा चश्मा भी नहीं पहना। क्या बात है। यस तुझे पता है ये शो पिछले 10 साल से आज तक चल रहा है, पता नहीं क्यों। शायद इसलिए कि ये शो संस्कारी है। संस्कारी जिसमें एक शादीशुदा चुतिया शादीशुदा अभागन पर पिछले 10 साल से लाइन मार रहा है और किसी को भी पता नहीं सिवाय इसके। और एक बात, जब भी जेठालाल दुकान जाने को निकलता है तभी उसी वक्त बबीता बालकनी में या नीचे आती है। मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। अच्छा, इस शो में एक महा ओवर एक्टिंग की दुकान भी है जिसका नाम है दया। नहीं नहीं ये नहीं, ये मुझे तो लगता है ये गांजा फूक कर एक्टिंग करती है। इसने अपने फोन को ही अपनी माँ रखी हुई है और बचपन में इसके गले में कोई मेंढक अटक गया होगा शायद, फिर बाद में उस मेंढक को बच्चे हुए और वो दिमाग में चले गए, जिसकी वजह से इसके दिमाग और जुबान दोनों खराब है। झूठ कहे क्या? इस सोसाइटी में एक वर्जिन भी रहता है, मतलब दो रहते हैं बट दिखाने के लिए एक। इसको हर बार कैंसल कैंसल बोलने की बीमारी है जिसकी वजह से इसकी शादी हर बार कैंसल हो जाती है। काश इसके पिता ने भी सुहागरात के दिन कैंसल कहा होता। लोग एंटरटेनमेंट के लिए कुत्ता पालते, बिल्ली पालते, यहाँ तक कि सुअर भी पालते, लेकिन ये छाता पालता है। चलो मान लेते कि ये वर्जिन लड़की होती तो वो छाते को सेक्स टॉय बना के यूज करती, लेकिन ये इसे कहाँ डालेगा, मतलब क्यों छाता ही क्यों? ये क्या दिन भर दुनिया भर की बातें करते रहते, शांति से सोने भी नहीं देते मुझे। आज तो इनकी चाय में सुसु करूंगी मैं। इनका 20 मिनट का शो होता है जिसमें असली कंटेंट तो सिर्फ 2 मिनट का होता है, बाकी 18 मिनट तो सिर्फ रिएक्शन रिएक्शन खेलते ही मादर चोत। क्या बात। यस मुझे तो लगता है शूटिंग शुरू करने से पहले डायरेक्टर और राइटर के बीच ये कॉन्वर्सेशन होता होगा कि सर दिस इज आवर स्क्रिप्ट। हे माँ माता जी, और अबे इसमें और कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली ये चुतिया अपने आप को साइंटिस्ट कहलवाता है लेकिन काम पर तो कभी जाता ही नहीं, सारा दिन घर में पड़ा रहता है इस उम्मीद में कि एक दिन बबीता इसको किस देगी। बट आई लव जेठा जी। उसमें नया क्या है, सारी दुनिया को पता है। इस शो में कैरेक्टर तो ऐसे चेंज होते हैं जैसे बच्चे के डायपर। इसमें हाथी, सोड़ी, सोड़ी की वाइफ, रीटा रिपोर्टर, सोनू और यहाँ तक कि टप्पू को भी चेंज कर दिया इन भोसड़ियों ने। और ये चालू पांडे तो पहले पंडित था, फिर बाद में उसका प्रमोशन हुआ और पुलिस बन गया। और ये प्राणी कभी टैक्सी ड्राइवर बनता है, कभी टप्पू का टीचर बनता है, कभी सब्जी वाली का पति बनता है। मतलब तुम ये शो अंधों के लिए चलाते हो। ये तो वही बात हुई अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। मुझे भी किसी ने अंधेरी रात में दिया था, क्या मजा आया था। क्या? कुछ नहीं, तू आगे बोल। चल अब दुकान पे जाते। ये दुकान इस जेठालाल की है जिसमें एक बहरा सेक्रेटरी जो बाद में अपने आप ठीक हो जाता है, एक लूला चूतिया जो अपनी गांड इससे धुलवाता है, और एक उल्लू जिसे 10 सालों में एक भी डायलॉग नहीं दिया गया, और ये चूत की रानी भी आ जाती कभी कभी इस चूत के ढक्कन को मिलने। इसके माँ बाप ने इसको पैदा करके ही गलती से मिस्टेक कर दी। वैसे टाइम क्या हुआ है? 8:30। तो बाजू हट, मेरा इंपॉर्टेंट शो लगने वाला है।